उसके लिए मुझे साथ में पहुंचने वाले मुझे 3 घंटे पहले उठना है, 2 घंटे पहले उठना है, सिर्फ मुझे 5 मिनट उठना है। अब मैं कह रहा हूँ कि 12 बजे सो के बीच में नींद भी लेनी है, 5 बजे मैं फ्रेश नहीं उठूंगा पर उठना है, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा होता हूँ अंदर मन की आंखों में कि उठना है जरूरी है, तो मैं ब्रेक कर देता हूँ, उठना है जरूरी है, नींद तू डाल जाती है, मेरा माइंड ओपन हो जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अपने आप को मैं विजुलाइज जब करता हूँ सो शरीर तो भरा होगा उस वक्त, तो मैंने सारा काम तो खुद किया। 12 बजे से कहा कि तू जा रहा ना, तू ऐसे एक्टिंग करना सर वो ऐसे करता है, अलार्म बजा, नींद माइंड अलर्ट हो गया, इसलिए कहता कि भैया उठना मत, अभी तो लड़ाई चलती रहती है बैठ गई, अभी जीतता वहां में। लेकिन अगर हम रात को ही इस बाजार को सही ढंग से कहें तो वो वैसे करेगा, अब रात को हम कल आज कर देंगे अलार्म बिल्कुल ना लगा, ठीक है, चाहे जितनी मर्जी कौन सी है, उसे बोलना एग्जैक्ट टाइम देना उसको, और 3 बार बोलना मैं सुबह 5:20 और इतने सेकंड पे जाना चाहती हूँ, सेकंड बोल रहा था अलार्म बिल्कुल ना लगा, अलार्म चला बंद कर, ठीक है, बोलना मैं इतने बज के इतने मिनट अगर सेकंड जाना चाहती हूँ, और उसमें फिर डाउट कर रखना ईमानदारी से, मैं जानना चाहती हूँ, और फिर इसको पूरी लाइफ में बोला मैं 5:20 और 4 सेकंड पे एकदम खुश अलर्ट और एनर्जेटिक फॉर्म में उठना चाहता हूँ, खुश अलर्ट और एनर्जेटिक फॉर्म में, अपने आप को आगे बढ़ गया जब देखिए कि आप पूरी एनर्जी से एकदम खुश होके उठ रहे हैं। आप अगले 10 दिन करिए, देखिए आपका शरीर कैसे स्प्रिंट की तरह अच्छा लगा दस उठ के बिना किसी लड़ा, जो भी टाइम आप सकते आपको समझ आएगा दो दिन बाद कि आप बिल्कुल जितने सेकंड आपने बोले उससे कुछ सेकंड पहले आप नींद एकदम ऐसी खुलेगी कि आप चाहें तो सो लीजिए, फिर नींद भी नहीं आती और शरीर फिर कहते हैं कि कौन जाएगा, और आपको कोई ग्रेटर नहीं फील होता कि आप आप जब भी ऐसे उठने की नौबत हो तो अपने आपको सबसे पहले कि मैं इतने बजे फ्रेश एनर्जेटिक और पूरी खुशी से उठना चाहता हूँ, अपने आप को अपने आप को बोलना है, यूनिवर्स की हम ही है, हमारे अंदर सब कुछ है, हमारा अपने आप को ईमानदारी से बोलना है कि इतने बजे मैं खुश और एनर्जेटिक उठना चाहता हूँ, पूरी तरह से फ्रेश, मेरी नींद पूरी हो चुकी है। देखिए आप हो ही नहीं सकता, देखो आप देखो ईमानदारी सच में मेरा इससे उलट है, जैसे मैं सुबह उठी हूँ 5 बजे मैं सारा दिन नहीं बैठती, कोशिश भी करूँ नहीं मैंने बैठना नहीं, रात को 12 बजे सोई हूँ 1 बजे सोई हूँ पर सुबह वही 5:30-5:30 मैंने कभी ऐसे ऑर्डर नहीं दिया कि चल तू सो या तो आपका वो ऑटोमेटिक जो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो गया उससे सेट हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सारे मुझे बोलते हैं कि इतना तुम्हारे पास है इन दिनों में ट्यूशंस भी हैं सारा काम भी खुद ही है, नहीं तो रश किया अगर रश किया अगर ब्रेक पॉइंट का अपना सिस्टम है, कुछ लोग 4 घंटे सोते हैं मेरा वैसे ही बंद है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वो तो आपके लिए 12 घंटे सो के भी गुजारा हो रहा है, ये 4 का 3 घंटे तो ऐसे इसका कनेक्शन है, आप दूसरों को देखिए कि वो ठीक है ना, कुछ लोग 3 दिन के बाद जाते हैं वॉशरूम लेकिन वो वॉशरूम में 4 घंटे होगा और 4 घंटे का नहाना है उसका सोचो और 4 घंटे नहाने थोड़े लगते जा रहे हैं ना, तो वो 8 घंटे में 4 घंटे वहां पे जाते हैं, लेकिन एनर्जी को फुल ऑफ एनर्जी देखो कभी लोग यही तो चक्कर है कि हमारे अंदर जो खास है हमने उसको कोई पहचाना ही नहीं है ना, तो हमने और बढ़ाने की कोशिश की हम इस तरह ऐसे बोलो तो कहते हैं नहीं आप में वो नहीं आप सबको बता ही जा रहे हैं।
जाते हैं, आपके फूल बड़े अच्छे हैं, आपके धूल बड़े अच्छे। इसमें क्या अच्छी बात है, कैसे मैनेज करें? मान लो आपको बेबी सुंदर है तो सुंदर है ही, तो निभाना आगे निकाल कर अच्छी बात है। नाम गंदे तो लोग तो भी लोग देख लेंगे। ये तो मैं आप प्रेम में से पूछे, मैंने इसको 10 बार बोला होगा मेरे कहा। मैं इनके मैम के घर गया था एक बार, तो सच में इतना इतना नीट सर और इतना मतलब ऑर्गेनाइज, एकदम वेल ऑर्गेनाइज, मजा लगी थोड़ी दिन इधर से ऐसे। तो मैंने सोचा कि इतना क्लीनलीनेस थी हर एक जगह और एक सिस्टम ऑर्डर में था, मेरा कमरा देखना होगा। तो और भी खासियत है इनको, हमारा घर दिखा।